अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? और अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। और इस वक्त मैं बना रही हूँ हरी चटनी, क्योंकि हरी चटनी ख़त्म हो गई थी। मैं अक्सर हरी चटनी जो बनाती हूँ उसको फ्रीज़र में स्टोर कर लेती हूँ। जो रायते वाली चटनी होती है, ग्रीन रायते में जो डलती है, तो मुझे बनाना था स्टेक। तो अभी मैं आप लोगों के साथ चिकन स्टेक की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत मज़े का स्टेक बना था और मैंने बस ऐसे ही बना लिया था, किसी की रेसिपी भी नहीं देखी और कहना चाहिए कि बस अपने अंदाज़े से ही बनाया था। और यकीन करें कि ये जो रेसिपी मैंने डाली है, कैमरे पे रिकॉर्ड करी है, ये मेरे लिए भी एक ऐसा है कि मैं भी इसको देखकर ही बनाऊंगी, नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी। तो वो बहुत ही अच्छी बन गई थी, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, तो हरी चटनी का सामान रेडी कर रही थी। पुदीना, हरा धनिया, इन सबको फिर मैं पीस के तैयार कर लूँगी। इसके अलावा हरी चटनी की जो रेसिपी है वो मेरे चैनल पे हैगी। इसके अलावा मैं इसका लिंक डाल दूँगी, तो आप लोगों को अगर चाहिए हो तो देख सकते हैं। तो इसको मैं कैमरा ऑन किए बगैर ही रेडी कर लूँगी। असल में मैं स्टेक के साथ जो रायता बनाऊंगी, तो वो हरी चटनी मेरे पास नहीं थी, तो इस वजह से मैं ये अभी रेडी कर रही हूँ। और अब हम बनाएंगे स्टेक, चिकन स्टेक। उसकी रेसिपी आप लोग ज़रूर नोट करिएगा। अच्छा, चिकन स्टेक बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम चिकन ली थी और 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन लिया था, ठीक है। और चिकन के जो पीसेस थे बड़े बड़े, उस पर मैंने ऐसे कट लगा लिया था, ठीक है ना। तो उसके अलावा मैंने उस पेस्ट के अलावा मैंने ये चिली सॉस यूज़ किया है। ये वाला जो चिली सॉस है बहुत अच्छा है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और इसके अलावा मैंने सोया सॉस यूज़ किया था, 1 टीस्पून। 1 टीस्पून भी मैंने सोया सॉस यूज़ किया था। और इसके अलावा लीमू, हाफ लीमू को उसमें निचोड़ लिया था। इसके अलावा नमक डाला था मैंने टेस्ट के हिसाब से। अच्छा, स्टेक में मैंने ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं की थी, सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट, चिली सॉस और सोया सॉस। इसके अलावा काली मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल ली थी, ठीक है ना। और फिर मैंने इसको अच्छे से लगा लिया था, कोई मैरिनेट नहीं किया था, बस फौरन ही लगा के। लेमन जो जूस होता है वो अच्छे से जज्ब कर देता है ना मसाले को, तो मसाला भी आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा नहीं था। फिर पैन में मैंने ऑयल डाला था और फिर ऑयल डालने के बाद स्टेक को रख लिया था और उसको आगे से, और फिर दोबारा उसको ऐसे पलट के इसको अच्छे से सेक लिया था। चिकन बहुत जल्दी गल जाती है, तो बहुत जल्दी से कुक हो गया था ये। और मुझे मेरे बेटे ने कब से बोला हुआ था, मम्मा मैं मुझे स्टेक बना के दे दें, स्टेक बना के दे दें। तो असल में मैंने कभी बनाया ही नहीं था। हालांकि मैंने काफ़ी सारी रेसिपीज़ देखी हैं, लेकिन मैंने किसी को भी फॉलो नहीं किया था। मैंने अपने तरीके से ही बनाने की इसको कोशिश की थी और ये बहुत अच्छा बन गया था। और बहुत ईजी, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये रेडी हो गया था और बहुत कम टाइम में कुक हो गया था। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। और मैंने इसको कवर करके नहीं पकाया था, ऐसे ही ओपन फ्राई पैन में ही किया था। तो जब ये कुक हो गया था तो मैंने इसमें वेजिटेबल्स कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्टेक थोड़ा सा मीट होता है, तो थोड़ी सी सब्जियां अगर हों उसके साथ तो अच्छा होता है। बहरहाल, जो भी है, मैंने ये स्टेक बनाया और अपने बेटे के लिए बनाया था, बड़े वाले। तो वो हर वक्त कहता था मम्मा आप बनाएं स्टेक। और अक्सर हम बाहर रेस्टोरेंट में जाते थे तो ये स्पेशली अपने लिए मंगवाता था और कहता था कि मम्मा मुझे बहुत पसंद है, आप बनाएं। तो मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया था और बहुत अच्छा बन गया था। इसके बाद मैंने सब्जियां थोड़ी सी डाल ली थी इसमें। मैंने थोड़े सा सैलेट लीव जो होता है, सलाद के पत्ते, और जो चेरी वाले होते हैं टमाटो,
तो छोटे छोटे से ना। उसके अलावा मैंने खीरा थोड़ा फिंगर कटिंग में डाल के उसको उसी ऑयल में कर लिया था, तो उसका टेस्ट भी इसी में ही आ गया था। फिर मैंने इसको कैसे सर्व किया था वो आप देख सकते हैं इसका लुक। और मैंने एक ग्लास में जूस निकाल लिया था, बाकी जो मैंने ग्रीन चटनी उस पीसी थी जो मैं रेडी कर रही थी, तो एक बाउल में मैंने रायता रख दिया था, क्योंकि थोड़ा सा मीट ही मीट होता है ना, तो अच्छा लगता है कुछ अगर इसके साथ कोई चटनी हो या कुछ भी ऐसा। तो अभियान को बहुत पसंद आया था, बहुत खुश हो गया था। और अभियान मेरा बड़ा वाला बेटा है, जो उसको बहुत ही ज़्यादा शौक है स्टेक खाने का, कि मम्मा आप बस गोश्त का कुछ बना लिया करें, उसको नहीं पसंद दालें सब्जियाँ। तो बस ये स्टेक के साथ उसने सब्जियाँ खा ली थी, खा लेता है लेकिन सब्जियों की जो डिश बनती है ना वो नहीं खाता है, उसमें बहुत तंग करता है। तो फिर मैंने उसके लिए ट्राई किया था और बड़ी सक्सेसफुल रेसिपी थी। ज़रूर आप लोग भी ट्राई करिएगा और मैं भी इसी को देख के दोबारा ट्राई करूँगी। बहुत इजी और बहुत अच्छी बनी थी। The steak was amazing and it was really delicious and I would like to have more in the future. स्टेक बनाने के बाद, बस अभियान को खिलाने के बाद, फिर मैं अपने छोटे वाले बेटे को थोड़ी स्टडी करा रही थी। शाम का टाइम स्टडी में ही गुजरता है, कुछ ना कुछ होमवर्क या प्रोजेक्ट वगैरह। तो बाजिल का एक प्रोजेक्ट था मोरल एजुकेशन का, तो वो हम यहाँ पे उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं। और तो मेरी जो शाम है वो अक्सर बाजिल के साथ ही गुजरती है। शाम में मैं उसका कोई ना कोई स्कूल का होमवर्क या कुछ भी उसका प्रोजेक्ट वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं तो वो देख रही होती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट रेडी होने वाला है, और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना था। फाजिल की टीचर को बहुत पसंद आया था अल्हम्दुलिल्लाह। फाजिल का प्रोजेक्ट रेडी करने के बाद फिर मैं खाना पका रही थी यहाँ पे रात वाला, तो उसके लिए मैंने माश की दाल बॉईल की थी और ये मसाला भुना था। तो ये जो मैं माश की दाल बना रही हूँ उसमें इसमें मैंने सिर्फ नमक और एक दो लौंगे और दालचीनी का टुकड़ा डाल के उसको बॉईल कर लिया था। और ये मसाला बना के टमाटर, प्याज, पिसी हुई मिर्चे, अदरक, लहसुन सारी चीज़ें डाल के नमक, और फिर उसको भून लिया था, फिर इसमें मिक्स करके पका लिया था।
तो ये बन रही है माश की पठान वाली जो दाल होती है ना होटल की, तो ये बहुत मज़े की बनती है, ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा। इसकी अलग से रेसिपी मैं डाल दूँगी, इसकी डिटेल रेसिपी जो है, ठीक है। तो फिर ये मैंने यहाँ पे रात का खाना तैयार कर लिया था, इसी में ही 7 बज गए थे और यहाँ पे मेरा ब्लॉग एंड हुआ। आप लोगों को कैसा लगा? अगर आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हैं इसका लिंक, और इसकी जो सेपरेट रेसिपी है वो मैं वॉइस ओवर के साथ डाल दूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।